नाजरीन आदाब, साहिल ऑनलाइन की फटाफट खबरों में आपका खैर मकदम है। देश दुनिया से जुड़े 12 अहम खबरों को देखिए महज 2 मिनट में। कर्नाटक में कांग्रेस कोटे से उजरा की तकरीरी को लेकर राहुल गांधी के साथ अहम मीटिंग। डी के शिवकुमार को वजीर या रियासती सदर बनाए जाने पर लग सकती है मोहर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ के बाद दिगरे सामने आ रहे हैं सबूत। कर्नाटक में बीजेपी लीडर के घर से बरामद किए गए 80 वीवीपैट मशीन। रियासत में हुए इंतखाबी अमल पर शकूक व शुबहात का किया जा रहा है इजहार। लगातार 15वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। आज पेट्रोल फिर 15 पैसे हुआ महंगा, 16 पैसे बड़ी डीजल की कीमत। आवाम हुकूमत पर गम गुस्से का कर रहे हैं इजहार। योगी राज के कानपुर में एक मुस्लिम शख्स को हिंदू लड़की के साथ दोस्ती की चुकानी पड़ी कीमत। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों के कारकुनों ने मुस्लिम शख्स को बनाया तशद्दुद का निशाना। पिटाई की वीडियोग्राफी कर सोशल मीडिया पर की वायरल। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन का नतीजा, मुल्क भर में शिद्दत इख्तियार कर गई डिलीट पेटीएम मुहिम। ग्राहकों की निजी तफसीलात दूसरों को फराहम करता है पेटीएम ऐप। कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन कर कई नामवर मीडिया के संगी चेहरों को किया है बेनकाब। नोटबंदी के हिमात याफ्ता बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अब लिया यू टर्न। मोदी हुकूमत के नोटबंदी फैसले पर नीतीश कुमार ने पहली बार की तनकीद। मुल्क के बैंक लूटकर बैरून मुल्क फरार होने वालों को लेकर भी मोदी हुकूमत पर उठाए सवाल। नायब वजीर आला सुशील मोदी ने नीतीश के बयान पर दी सफाई। जम्मू कश्मीर के अरसपुरा में पेश आया आग का सानिया। 40 से ज्यादा घर जलकर खाक। लाखों के माली नुकसान का जताया जा रहा है तखमीना। 100 से ज्यादा लोग आग में झुलस कर हुए जख्मी। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आतिशबाजी की वजह। मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की बरसी आज। दिल्ली के शांतिवन में राहुल और सोनिया गांधी ने पेश किए गुलाय मोहब्बत। प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह और हामिद अंसारी ने भी पेश किया खराज अकीदत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का आज पीएम मोदी के हाथों हुआ इफ्तिताह। मुतादिद खुसूसियात का हामिल है ये मुल्क का पहला 135 किलोमीटर का हाईटेक एक्सप्रेस वे। खुली जीप में वजीर आजम मोदी ने 6 किलोमीटर तक किया रोड शो। रोड शो में हजारों अफराद ने की शिरकत। कटवा इस मदरसे के बाद फिर इंसानियत हुई शर्मसार। गुजरात के दाहोद में 9 साल बच्ची से इज्तिमाई इस मदरसे के बाद किया गया कत्ल। एक कुएं से बरामद की गई बच्ची की लाश। तेलंगाना के जिला सिद्दीपेट में पेश आया खतरनाक सड़क हादसा। अब तक 12 अफराद के हादसे में हुई मौत। 20 लोग बताए जा रहे हैं शदीद जख्मी। आपस में टकराई थी लॉरी और बस समेत कुल 4 गाड़ियां। श्रीलंका में तूफानी हवाओं और बारिश का कहर। 21 लोगों की हुई मौत। कई अफराद लापता। 1.5 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं मुतासर। नाजरीन, देश दुनिया से जुड़ी मजीद खबरों को तफसील से जानने के लिए विजिट करें www.sahilonline.net। साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल करें सब्सक्राइब। फिर होगी मुलाकात अहम खबरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। आदाब।